बच्चों बीस जनवरी दो हजार चौबीस काफी नदी का चुका है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे पेपर बनवाया है देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पेपर मैंने बनवा रखा है ठीक है ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ये पेपर बना हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर खुद आप पढ़कर देख सकते हैं कि सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए जो कि काफी इजी समझाने वाले हैं तो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो आप बहुत ही पछताएंगे चलिए किसी तरीके की वीडियो की स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है इतने गुण इतने गुणा इतने गुणा इतने से परिणाम मिलता है देखिए सबसे पहली बात गुणा जब भी दिया रहेगा तो इसमें आप सभी को पता है कि मैंने मान लीजिए इतना दिया, पांच हजार छह सौ तेरह ठीक है जीरो लिख दिया तो इसका मान क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए कि जीरो होगा क्यों क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा किया जाता है तो जीरो ही आता है ये बात आप लोग कंफर्म होगा और यही मैं ऐसे लिख दू पांच हजार छह सौ तेरह गुणे जीरो गुणे एक सौ तीस ठीक है तो इसका मान क्या आएगा जीरो ही आएगा देख सकते हैं जीरो आ गया है गुणा गुणा तो इसका मान जीरो ही आएगा ठीक है वैसे ही ध्यान देंगे कि इसमें कहीं जीरो तो नहीं है है बिल्कुल है यहाँ पर देख सकते हैं जीरो है ठीक है तो इसका वैल्यू क्या कर देगा जीरो कर देगा बहुत सारे बच्चे लगते हैं उड़ा करने और जीरो का हर जीरो को छाट देते हैं और ये इतना ही गुणा कर देंगे तो इसमें से कोई राइट आंसर मिलेगा उस उसपे ट्रिक कर देंगे बट वो रॉन्ग हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है छह अंक की छोटी से छोटी संख्या संख्या तथा तो चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर होगा देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन समझ नहीं पाते ये क्वेश्चन मतलब देखिए दो हजार बाईस में भी पूछा था दो हजार तेईस में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ठीक है तो छ अंग की छोटी संख्या लिखने के लिए मैंने क्या बताया एक लिखकर पांच को जीरो लिख दीजिए ये आप लोग का छ अंगों की छोटी संख्या हो गया ठीक है पांच को जीरो नहीं हुआ है अभी चार ही था ठीक है तो ये हो गया छह अंगों की छोटी संख्या ठीक है तो चार अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए मैंने बताया था कि क्या करना है चार गो नौ लिख देना है चार अंगों की बड़ी संख्या हो जाएगा अब इसमें से बताइए कौन सा बड़ा है ये देख सकते हैं पढ़ कर बता सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार नौ हजार नौ सौ निन्यानवे कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक लाख है ठीक है ठीके? तो एक लाख बड़ा है सीधी सी बात है इससे बड़ा क्या है एक लाख बड़ा है ठीक है तो आप लोग क्या करेंगे अंतर का मतलब मैंने बताया हर एक वीडियो में मैंने बताया बताता हूँ कि आप लोग अंतर का मतलब होता है कि बड़ी में से छोटी को घटाना ठीक है बड़ी में से छोटी को घटाना तो ये बड़ी में से छोटी को घटाना तो बड़ी ये छोटी ये तो इसमें से इसको घटाएंगे ठीक है तो कैसे घटाएंगे एक

चौदह के गुण है कि दोनों विषम समझ है सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि दोनों अभाज्य आवाजी है नहीं है क्यों है क्यों नहीं है क्योंकि अभाज्य संज्ञा उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से करता है देखिए दो से भी कटेगा शायद छः पाँच एक ये चार से भी कट सकता है ठीक है ऐसे मतलब ये दो तीन इसका गुणनखंड आ रहा है ठीक है इसलिए अभाज्य संज्ञा नहीं है ये भी अभाज्य संज्ञा नहीं है ठीक है तो आप लोग क्या करेंगे ये पहला तो गलत दूसरा है दोनों सहभाजी संख्या है सहभाज्य संज्ञा मतलब दोनों का एस से क्या होना चाहिए एक होना चाहिए तो अभी ये भी गलत ठीक है दोनों चौदह के गुणा चाहिए तो हम लोग एक बार चौदह से भाग देकर देख लेते हैं ठीक है तो छप्पन में हम लोग चौदह से भाग देंगे तो चौदह का पहाड़ा में छप्पन आता है आप लोग क्या करेंगे चौदह चौदह से आप लोग गुणा करके इधर देख लेंगे साइड में अगर नहीं पहाड़ा याद है तो आप देखिए पाँच चौ को बीस होता है तो चार से चार चो को चार चौ सोलह चार चौको सोलह चार एक नाम चार सो चार एक पांच देख सकते हैं कि चार बार में गया, चौदह चौको छप्पन होता है ठीक है तो देख सकते हैं एक ये है, ठीक है ये पहाड़ा में आ रहा है ठीक है तो राइट आंसर हो भी सकता है अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं चौदह से चौरासी में चौदह से चौरासी भी कटेगा कितना बार में कटेगा चौदह पच्चीस सत्तर होता है चौदह छह के चौरासी यानी कि छह बार में एक कट जाएगा ठीक है देख सकते हैं है हाईजी की नहीं बहुत ही जी यानी कि सी नंबर राइट आंसर देख सकते हैं दोनों भी समसंख्या है नहीं बिल्कुल नहीं है दोनों सम संख्या बोलता तो हो सकता था ठीक है लेकिन चौदह के गुण सी नंबर राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंकों सात दो चार आठ तथा जीरो से बनने वाली बड़ी से बड़ी पांच अंक की संख्या जबकि देख सकते हैं जबकि एक अंक एक ही बार प्रयोग किया हो ठीक है देखिए सात कामा दो कामा चार कामा आठ वीडियो में दिख रहा है ना काफी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा ठीक है और मैं ऊपर कर देता हूं इसको ठीक है ये देखिए इतना दिया हुआ है काम जीरो ठीक है इससे बनने वाले पांच अंगों की बड़ी संख्या आ, बनाना है ठीक है पांच अंगों की बड़ी संख्या तो क्या करेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लेते हैं ठीक है ठीके? तो बड़ी संख्या कौन सा है इसमें आठ है उसके बाद सात है उसके बाद चार है उसके बाद दो है उसके बाद जीरो काफी ईजी है कि नहीं बहुत ईजी है ये आंसर देख सकते हैं कहाँ पर है तो कहाँ पर है आप लोग बता सकते हैं हाँ सी नंबर राइट आंसर मैच कर रहा है देख सकते हैं ठीक है आठ क्या बोलेंगे इसको सतासी हजार चार सौ बीस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कौरा है ग्यारह सत्या इक्कीस के लेने में से क्या सकते हैं ठीक है दोनों भाज्य संज्ञा है दोनों समसज्ञा है दोनों सहभाजी संज्ञा है दोनों तीन के गुणज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है काफी जैसे आप लोग का तीन नंबर क्वेश्चन था वैसे ही पांच नंबर क्वेश्चन है बताने से पहले क्या करेंगे आप अपना नाम आगे लगा देंगे ताकि मैं जान सकूं कि आपका नाम क्या है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूजा है पब्लिकेशन का जो कि काफी बेस्ट बुक है इस बुक की खास बात यह है कि आप लोग का जो न्यू पैटर्न पे आधारित जो आप लोग का न्यू सिलेबस निर्धारित किया गया है वो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग का एक चैप्टर न्यू जोड़ा गया है यानी कि विशेष सूची में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग का बार आर एक्ट ग्राफर ये चैप्टर न्यू जोड़ा गया है दो हजार चौबीस के लिए जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अभी ये न्यू जोड़ा गया है ठीक है तो ये हर एक बुक में ने को नहीं मिलेगा इसलिए बुक मुझे काफी अच्छा लगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दिया हूँ वहाँ से आप लोग जाकर परचेज कीजिए जल्द से जल्द इस बुक को परचेज कीजिए थैंक यू सो मच बच्चो नेक्स्ट क्वेश्चन अंकों से बनी न्यूनतम तथा तो छ अंक विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम तथा तो संख्या बताइए देखिए न्यूनतम का मतलब हम मैं आपको बता देता हूं कापी में अलग नोट कर लीजिएगा न्यूनतम का, मतलब का मतलब होता है छोटी ठीक है न्यूनतम का मतलब होता है छोटी यहाँ पर भाषा थोड़ा चेंज कर दिया है अधिकतम अधिकतम का मतलब होता है बड़ी ठीक है अधिकतम का मतलब क्या होता है बड़ी होता है यहां पर थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया है ठीक है तो छोटी संख्या बनाना है बड़ी संख्या बनाना है मैंने बताया है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जिसमें अंक न दिया हो कि इसी जैसे इसमें अंक दिया हुआ था इसी से बड़ी संख्या बनाना था बट इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको देखिए बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अंक का परिभाषा आप लोगों को बताया था कि अंक कहते किसे हैं जिसमें अंक नहीं दिया उसमें अंक कहते किसे हैं तो अंक उसे कहते हैं जिससे संख्याएं बनाई जाती है जैसे मान लीजिए नौ मैंने लिख दिया ठीक है इसमें किस किस अंक का प्रयोग किया गया तो आपसे बताया नौ का तीन का छ का ठीक है ये आप लोग का अंक है ठीक है तो वैसे ही अंक किसे कहेंगे जिससे संख्याएं बनाई जाती है उसे हम लोग अंक बोलते हैं मैंने हर एक वीडियो में बताया है ठीक है तो आप लोग क्या करेंगे कैसे किस, किस संख्या से किस किस अंक से उंग संख्या बनाई जाती है जीरो से बनाया जाता है एक से बनाया जाता है दो से तीन से चार से ठीक है पाँच से छः से सात से आठ से नौ से ठीक है इतना ही संख्या इतना ही अंक का प्रयोग करके दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्याएँ बनाई जाती है इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे तो क्या करना है इसी से क्या करना है न्यूनतम छोटी संख्या बोला है तो इधर से लेंगे ठीक है और बड़ी संख्या बोला है तो इधर से अलग अलग ठीक है तो कितना अंक का बड़ी संख्या बोला है छः अंक का ठीक है तो हम लोग यहाँ से ले देते हैं एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ तक लेंगे ठीक है तो हम लोग नौ आठ सात छ पाँच आ, चार ठीक है ये आप लोग का क्या हुआ तीन तीन छः अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना जो कि अंक भिन्न भिन्न है ठीक है इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे और छोटी संख्या बोला है इधर से तो कितना अंक बोला है सात अंक का तो एक ये ले लेंगे जीरो एक दो तीन तो हम लोग एक लिख कर जीरो दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यानी कि आठ अंक बन गया सात तक नहीं लेंगे छ ही तक लेंगे ठीक है तो इसमें यह बड़ा है कि ये दोनों में से कौन सा बड़ा है इकाई दाई सैकड़ा हजार दो सौ लाख इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दो सौ लाख करोड़ नहीं इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हज़ार लाख दस लाख ये दस लाख है ठीक है और इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हज़ार लाख यानी कि नौ लाख है दस लाख ये है नौ लाख ये है तो बड़ी संख्या ये हुई छोटी संख्या ये हुई तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से बड़ी में से बड़ी में से छोटी घटाना है ये बड़ी है और ये छोटी है ठीक है ये छोटी है इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे अंतर का मतलब होता है अंतर का मतलब कि बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए बड़ी में से क्या कीजिए छोटी को घटा दीजिए तो आप लोग घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे अंतर पूछा है ना संख्याएं का अंतर बताइए तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दो ये लिख लेते हैं ठीक है कहाँ तक छ तक ठीक उसके बाद ये है आप लोग का नौ आठ सात छः पाँच चार आंसर का मतलब घटाना है इसका घटा कर मुझे आंसर बताएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाँचों की बड़ी से संख्या विषम संख्या जो इतने इतने से बनाई जा सकती है अब देखिए विषम संख्या भी पूछता है सम संख्या में पूछता है मैं दोनों एक ही बार करके बता देता हूँ ठीक है थ्री पाँच सात नौ आए जीरो काम है ठीक है एक क्वेश्चन है क्या, क्या? है क्वेश्चन है ठीक है इसे क्या पूछेगा एक क्वेश्चन पूछेगा कि सम संख्या बना दीजिए क्या छोटी बना दीजिए बड़ी बना दीजिए कोई भी पूछ सकता है जिसमें इसमें देखिए बड़ी पूछा है ठीक है इतना बात ध्यान रखेंगे उसके बाद विषम भी संख्या पूछ सकता है ठीक है कि विषम बड़ी बना दीजिए या छोटी बना दीजिए ठीक है छोटी भी बनाने के लिए पूछ सकता है बड़ी भी बनाने के लिए पूछ सकता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सम संख्या कहते किसे हैं सम संख्या काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद जान लेते हैं विषम संख्या कहते किसे हैं ठीक है विषम संख्या कहते किसे हैं तो ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से भाग लग जाए उसे हम लोग विषम संख्या बोलेंगे जैसे दो चार छः आठ ठीक है उसके बाद दस ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा जिसका अंत ना हो इसका चिन्ह का मतलब क्या है इन्फेनाइट जिसका कभी अंत ही ना हो ठीक है विषम संख्या इसी का मतलब विपरीत होता है क्या होता है उल्टा होता है जिसमें दो से भागने लगे वो क्या होगा विषम संख्या होगा जैसे एक तीन पाँच सात ठीक है उसके बाद आप लोग क्या नौ आएगा नव आएगा ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा समझ रहे हैं नहीं बहुत ईजी है कि नहीं बहुत ईजी है ठीक है तो अब आप लोग क्या करेंगे देखिए अब बोला है सम संख्या बना दीजिए बड़ी संख्या बनाना है सम संख्या बनाना है बड़ी संख्या बनाना है ए, नहीं विषम संख्या बनाना है तो विषम संख्या आप सभी को पता है कि जिसके अंत में जैसे पाँच मैंने लिख दिया इसके लास्ट में तीन आया इसमें से आया है तो ये आप लोग का विषम संख्या काल आएगा ठीक है इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे जिसके अंत में ये सारी संख्याएं लगी हैं वो आप लोग का विषम संख्या काल आएंगे अंत में ठीक है तो ऐसे ही अंत में हम लोग विषम संख्या एंगे तो इसमें क्या बनाना है बड़ी तो बड़ी बनाने की सबसे पहले नौ लिखेंगे उसके बाद उसके बाद बाद क्या लिखेंगे पांच लिख लेते हैं उसके बाद देखिए जीरो तीन तीन लास्ट में मैंने लगा दिया इसलिए विषम संख्या बन गया देख सकते हैं सबसे बड़ी बना हुआ है तो राइट आंसर कौन सा होगा नौ सात पांच जीरो तीन यानी कि सी नंबर राइट आंसर इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए थैंक यू सो मच बच्चों और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाइए जो एक नौदन बनना चाहता है थैंक यू सो मच